जम्मू के डोडा में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम पूरे सैन्य सम्मान के साथ हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट लाया गया। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। राजधानी देहरादून के कुआंवाला से यहां लाए गए शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में समाज सेवी, आला अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड देश की पूरी सेना के 75% जवानों को अपने यहां से भेजता है और यह देवभूमि के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। शहीद हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 75% की पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर पांचवा सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी एक महीने के अंदर हमारे 8 से अधिक वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उस महान नायक को नमन कराए। कैप्टन दीपक कुमार जो 48 आर आर के थे, डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए। मैं दिल की गहराई से अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से उस महान नायक को नमन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में पूरा देश, पूरा प्रदेश इन परिवारों के साथ में है और हमारी सरकार लगातार, देखिए, किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। अभी विजय दिवस पर हमने जो एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है उसको 10 लाख से बढ़ाकर हमने 50 लाख किया है।